मैं और ज़ार ज़रा एक काम से जा रहे हैं इल्फर्ड। अब हम बैठेंगे 1 2 3 बस में। इलेक्ट्रिक सिस्टम ज़रा भी नहीं है यहाँ पे, कार टैप होते हैं या उससे कार टैप होते हैं। इस बस से उतर के मैं उधर टैप करूँगा अगर 1 घंटे के अंदर अंदर, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज होंगे। लंदन का ट्रांसपोर्ट वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। ये मैया जा रही है इस पे। तो समर स्टार्ट, आपको आसमान देख के या धूप देख के अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं और ज़ाहिर ज़रा एक काम से जा रहे हैं इल्फर्ड। यह है टनपेक लेन स्टेशन, यहाँ से हम बैठेंगे 1 2 3 बस में। ये ऊपर 1 2 3 बस है, तो वहाँ से हम जाएंगे इल्फर्ड। तो यहाँ का ट्रेन स्टेशन होता है, जिस तरह कोई एक मेन बस पॉइंट होता है ना, जहाँ पे सारी बसें आकर रुकती हैं, यहाँ पे वही साहब है। तो अभी हम वहाँ पे वहाँ से बैठेंगे, फिर हम इल्फर्ड जाना है। इल्फर्ड से शायद आज पहलवान दिया नहीं जाए, फिर वापसी मैंने वेस्ट लंदन वाली साइड पे जाना है एक काम से। बाकी आज यहाँ पे धूप देख के तो मज़ा ही आ गया। आज समर कह रहे हैं शुरू हो गया, और आज 8 डिग्री है और धूप भी अच्छी निकली है। पता नहीं यहाँ की समर भी कैसी होती है, कोई एतबार नहीं, जैसे यहाँ के लोगों का कोई एतबार नहीं। अब ये बस आई है 2017, अब हम बैठेंगे 1 2 3 बस में। जैसा 217 लिखा हुआ ना, जैसा वहाँ लिखा होगा 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, अब वो जगह है, अब हर कोई अंदर जाएगा अपना कार्ड टैप कर देगा तो फिर अंदर एंट्री हो जाएगी उनकी। यहाँ पे कंडक्टर सिस्टम ज़रा भी नहीं है, यहाँ पे कार्ड टैप होते हैं या ऑयस्टर कार्ड टैप होते हैं। तो ये ऑयस्टर कार्ड होता है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे ऑयस्टर कार्ड, ये अभी तो मेरा स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड है ना, इसलिए यहाँ मेरी फ़ोटो लगी है, वरना सिंपल ऑयस्टर कार्ड होता है उसमें फ़ोटो नहीं लगी होती। वो मिलता है 7 पाउंड का, तो उसमें होता है कि ये ATM की तरह यूज़ होता है, इसमें बंदा पैसे डलवा लेता है। तो जब भी किसी बस में जाते हैं बंदा इसका टैप कर देता है। इसका हिसाब होता है कि जो सिंपल ऑयस्टर कार्ड होता है ना, उसमें कटते हैं 1.75 पाउंड पर आवर। मतलब एक दफ़ा मैंने टैप कर दिया तो एक घंटे के लिए मैं उस बस में बैठ सकता हूँ। तो बैठ तो मैं देर तक सकता हूँ, लेकिन ये कभी कभी होता है आपको बस चेंज करनी पड़ती है, तो आपको दोबारा टैप करना होता है। तो अगर 1 घंटे के अंदर मैं अगर एक बस से उतर के दूसरी बस में टैप करूंगा ना, जैसे इस बस से उतर के मैं उधर टैप करूंगा अगर 1 घंटे के अंदर अंदर, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज होंगे। लेकिन अगर 1 घंटा गुजर गया उस बस से उतर के मैं दूसरी बस में गया हूँ, मतलब अगर मैंने स्टेशन चेंज किया, तो फिर ये होगा कि मुझे पैसे भर जाएंगे दोबारा 1.75, ठीक है। तो इधर ये साफ होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपने दूसरी बस में बैठना होता है, तो आपकी कॉस्ट जो है वो जल्दी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने सेविंग करनी है, तो इस तरह का स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड होता है, ये मैं आपको दिखा दूँ दोबारा। तो ये ऑयस्टर कार्ड होता है, ये आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो या बाई पोस्ट करते हो, दोनों तरीके हैं इसमें। तो ये मिलता है आपको 20 पाउंड का। इसमें ये होता है कि आपके पैसे जो 1.75 कटने होते हैं वो कटते हैं 1.55 बस में, ठीक है। मतलब 30% आपको ऑफ मिल जाता है। दूसरा ये कि अगर आप ट्रेन में भी करते हो तो आपको डायरेक्ट इसमें डिस्काउंट नहीं मिलती। उसके लिए होता है कि आपको यहाँ का रेल कार्ड बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं रेल कार्ड ही कहते हैं उसको, उसका कोई और नाम भी है शायद, मैं शायद बोल रहा हूँ। ये 1 2 3 आ गई बस, इसमें मैं बैठने लगाऊँ। तो उस रेल कार्ड में होता है कि आपको 20 पाउंड का वो लेते हो आप, तो आपको उसमें भी 30% ऑफ मिल जाता है। और बस वहाँ से आ रही है, तभी बस हम उसमें बैठने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टैप करते हैं। अभी बस आ गई, इसमें बैठने लगे हैं, फिर मैं कार्ड टैप करूँगा। अब मैं ऊपर वाली छत पर जाने लगी, फ्रंट पर बैठे हुए, पीछे सारी बस खाली है। ये सामने सीधा अगर जाएंगे तो वुडग्रीन आ जाएगा। ये वुडग्रीन का स्टेशन चौक आ गया स्टॉप। बाकी ये पीछे ये ट्रैफिक लाइन स्टेशन है, हम वहाँ आगे जाएंगे तो वुडग्रीन आ जाएगा। ये सारी मार्केट है। इस तरह जब आप नए आते हो, आपको हर जगह एक एक दुकान पे जाके पूछना पड़ता है। मैं एक एक दुकान पे यहाँ पे गया हूँ, यहाँ लेफ्ट राइट हर दुकान पे जाके मैंने पूछा कि यार जॉब सिचुएशन, क्योंकि जॉब पार्ट टाइम जॉब वैकेंसी है। जब यहाँ पे घर ख़त्म हो गए फिर मैं आगे नहीं गया। आज धूप तो सही मज़े की निकली, आज पता चला समर का। यहाँ पे हम इस तरह की धूप देखने को तरस जाते हैं। तो मैं और उज़ैर जा रहे हैं इल्फर्ड एक काम से। तो उज़ैर हसीब जो है वो काम पे गया हुआ है, तो वो हमारे साथ नहीं है। उसे हमने कहा था फ़ोन करके, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता। बाकी आप स्ट्रीट व्यूज़ इंजॉय करें यहाँ पे। बाकी
बाकी यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी की जरूरत पड़ती है लंदन में, लेकिन पार्किंग की इशू की वजह से बंदा इंश्योरेंस की वजह से बंदा कहता है कि ना ले। तो भी मेरे साथ है उज़ैर, तो मैं इससे पूछूंगा कि इसको लंदन का ट्रांसपोर्ट कैसा लगा, बस ट्राम्स और ट्रेन के बारे में जिक्र करें। तो जी अस्सलामुअलैकुम उज़ैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है आप सुनाएं। तो आप बताएं आपको लंदन का ट्रांसपोर्ट कैसा लगा? लंदन का ट्रांसपोर्ट वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ पे तीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अगर करीब जाना है तो आप बस यूज कर सकते हैं, और अगर दूर जाना है तो अंडरग्राउंड ट्रेन है और दूसरा ओवरग्राउंड ट्रेन है। सही सही। तो अंडरग्राउंड ट्रेन में भी फिर ये है कि अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, और ओवरग्राउंड जो है वो ज़रा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें ये है कि वो टाइम ज़्यादा रहता है। सही। अंडरग्राउंड जो है विद इन आवर और विद इन हाफ एन आवर आपकी डेस्टिनेशन को पहुँचा देता है। मतलब सबसे फास्ट कौन सी है? सबसे फास्ट जो है वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है, मतलब जो नीचे रेल नीचे, उसके बाद ओवरग्राउंड। ओवरग्राउंड है वो जो है वो तकरीबन आपको जहाँ कहीं भी जाना हो ना तो 1.90 पाउंड्स में पहुंचा देगा, मतलब ओवरग्राउंड जो है। ओवरग्राउंड। और ट्रेन? ट्रेन जो है वो तकरीबन 3 पाउंड से स्टार्ट होता है। 3.7 बस 3 पाउंड जो है वो मिनिमम चार्ज है। तो उसके बाद जो है फिर आगे वो डेस्टिनेशन पे डिपेंड। और ये बस कितना ट्रैवल कर आपको? ये बस जो है ये अभी तो हम एल्फर्ट जा रहे हैं ना, तो ये बस डायरेक्ट एल्फर्ट जाती है। सही है। तो ये है कि टाइम ज्यादा लेती है, लेकिन आपको करीब अभी अगर एंजॉयर है जिस तरह तो वो हमारे साथ करीब है हमारे पास। सही है। तो उसमें ये है कि फिर ये बस अच्छी पड़ती है, और इसकी कॉस्ट 1.75 पाउंड्स है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो काफी एक्सपेंसिव है इधर गाड़ी के मुकाबले में। अगर बंदे के साथ गाड़ी हो ना और अफोर्ड कर सकता है तो वो इजीली ट्रैवल कर सकता है। लेकिन गाड़ी वाले भी अपने मसले होते हैं, पार्किंग का इशू है उसके अलावा उनको। तो वो ये है कि अगर पार्किंग का इशू वो भी डिपेंड करता है ना, अभी अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर फैमिली है किसी के साथ तो वो फिर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सस्ती, हाँ सस्ती भी पड़ती है और उनकी जरूरत भी होती है। मुश्किल लगती है ना अगर फैमिली, अब हम तो सिंगल है मतलब कभी हम जा सकते हैं तो हमें इतना मसला नहीं होता, हम तो यूज्ड टू हो गए, लेकिन फैमिली में आता है वो अपनी पहले वाइफ को पकड़ेगा, बच्चे को पकड़ेगा, किस तरह वो ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है अगर आपने अपने नेलफर्ट जाना है ना, अभी हमें तकरीबन हमारे माइंड में है कि हम 1 से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। अपनी गाड़ी में तो उस दिन हम रफीक भाई के साथ गए थे, कितने तो 15 में 15 20 मिनट पहुंच गए थे, हमें पता भी नहीं चला एयरपोर्ट आ गया था। और दूसरा ये है कि बहुत इजीली भी पहुंच जाता है, बस जो है वो काफी रुकती है, हर स्टेशन पे रुकती है। तो बाकी आप क्या कहते हो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, यहाँ पे लंदन आ रहे हैं तो उनको गाड़ी लेनी चाहिए या वो पहले? ना, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि गाड़ी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अलबत्ता ये कहूँगा कि स्टूडेंट कार्ड बना ले तो उसमें कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। मैंने इनको बताया कि एक सिंपल हॉस्टल कार्ड होता है 7 पाउंड का, एक होता है और एक स्टूडेंट हॉस्टल कार्ड। तो सिंपल हॉस्टल कार्ड 7 पाउंड में बनता है और स्टूडेंट हॉस्टल कार्ड बनता है 20 पाउंड में, ठीक है। वो आपको पोस्ट होकर आता है यूनिवर्सिटी की आईडी पे, तो उसमें आपकी फोटो लगे थे, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो ये सारा सिस्टम था यहाँ का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मतलब कभी एक्सपेंसिव लगता है, कभी लगता है कि बंदा यार कन्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो जगह पहुँच जाते हैं। तो अगर हमें इमरजेंसी हो तो फिर हमें कौन सी ट्रांसपोर्ट लेनी चाहिए, बस ट्रांसपोर्ट? इमरजेंसी में तो डेफिनेटली आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो वो तो उसमें फिर अंडर। तो आपके पास साइकिल भी है तो आप कैसे मैनेज करते हो? साइकिल ये है कि अगर बंदे के साथ साइकिल हो और वो अंदर रहता हो, क्योंकि हम तो हाई स्ट्रीट पे रहते हैं ना, तो हमारे साथ तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अभी अगर वो अंदर रहता हो तो फिर ये है कि वो बंदा जो है ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड जहाँ से स्टार्ट होती है तो उधर पार्किंग लॉट्स बने होते हैं साइकिल्स के लिए, तो वो उधर पार्क कर दिया सिर्फ साइकिल आपको ओवरग्राउंड में। बाकी मैंने देखा कि बेबी कार्ड जो है वो तो आ जाते हैं। हाँ, वो बेबी कार्ड जो है वो भी मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड में अलाउड नहीं है, लेकिन लोग करते हैं लेकिन अलाउड है नहीं, और ओवरग्राउंड में और बस में वो आप ओवरग्राउंड में इसलिए अंडरग्राउंड में इसलिए अलाउड नहीं क्योंकि वो नीचे लिफ्ट जाती है, तो 6 से 7 फ्लोर नीचे तो एस्केलेटर होता है वो, अब क्या नाम है साइकिल लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।